नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 37-38 ईयर्स एक नौजवान का, जो अपने कैरियर को लेके ओरीड है, इसीलिए उन्होंने पाम भेजा है। जॉब करते हैं तो आगे चल के करियर कैसी रहेगी, कैसे इनको सक्सेस मिलेगी, उसी के बारे में ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, पाम को अगर ओवरऑल देखें तो ओरी होने के चांसेस ही दिख रही है, मतलब ओरी तो इनको होना ही चाहिए, ओरी रहनी चाहिए, क्योंकि ये पाम की कंडीशन बहुत हमें अच्छी नहीं लग रही है। एक तो ये पाम अगर हम लोग देखें तो थम काफ़ी लंबी है, पाम के कंपैरिजन में थम काफ़ी लंबी है। ये इस पाम में सबसे जो पॉजिटिव साइड है इस पाम में, वो है इनकी थम जो काफ़ी लंबी है, वो दिखाती है हाँ इनमें इच्छा तो है, इच्छा शक्ति इनकी पास बहुत ज़्यादा है कि ये ज़िंदगी में कुछ करे, और उसके लिए लड़ेंगे भी। ये अगर लोगों के सामने कुछ अपनी बातें रखते हैं तो लोग उसको मानने की कोशिश भी करते हैं, मानते हैं, ऐसे नहीं बताएंगे हम लोग, क्योंकि पाम की कंडीशन ओवरऑल और भी साइड से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो लेकिन मानने की कोशिश एकदम ठुकरा भी नहीं दे पाएंगे इनको, क्योंकि इनकी थम काफ़ी लंबी है। मैं इस तरह से घुमा फिरा के क्यों कह रहा हूँ वो बाद में आप लोगों को पता चलेगा। तो लेकिन ये थम पावरफुल है और इसके कारण लोग इनको मानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जॉब साइन भी है जो अच्छी रहती है फिनांस के मामले में। थम से अगर देखें, अगर जॉब साइन बनती है वो अच्छी साइन होती है फिनांस के मामले में, जो आगे चल के इनको हेल्प ज़रूर करेगी। लॉजिक और विल दोनों ही काफ़ी बड़ी है और इसके कारण ये काम भी मेहनती भी होंगे, अपना काम भी खुद कर लेते हैं अच्छी तरह से, और ये लॉजिकली बात भी कर सकते हैं दूसरों से। आगे चल के बाकी फिंगर में जाएंगे, उससे पहले इस फिंगर की कंडीशन को देख लीजिए। ये चारों के चारों फिंगर आप लोगों को किस तरह से दिख रही है, कि दिख रही है कि एकदम बिल्कुल ही मांस नहीं है, सच में ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गैप बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गैप बना हुआ है, बिल्कुल भी मांस नहीं है। और इसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा वीक फिंगर के कारण इनके अपर माउंट जो है वो भी पावरलेस होती जा रही है। समझने की कोशिश कीजिए, फिंगर जब बहुत ज़्यादा इस तरह से वीक हो जाएगी तो अपर माउंट आपको चाहे कितनी भी बेहतर दिखे, लेकिन उसकी इफ़ेक्ट ज़रूर आएगी अपर माउंट में, और ये इनको सक्सेस देने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हर एक फिंगर, इंडेक्स फिंगर देखिए, क्रॉक होने के बजाय बाहर की तरफ दिख रही है, और इस तरह से सटन की फिंगर लंबी है, और यहाँ पे कितनी ज़्यादा गैप है, इतनी ज़्यादा गैप होना, बिल्कुल मांस ना होना फिंगर में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेगेटिव साइन रहती है इन लोगों के फिनांस के मामले में। ये बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ फिनांस नहीं, हेल्थ के मामले भी ये लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। ये पाम इन्होंने भेजा है, मैंने कोई भी पास्ट एनालिसिस नहीं किया, इन्होंने कहा था कुछ बताने के लिए, तो मैंने कहा कि जो बताना है मैं वीडियो में ही बताऊंगा, आप वीडियो देख के मुझे बाद में बता देना। तो आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहते हैं, आपकी अपर अमाउंट की जो ओवरऑल पोजीशन है वो अच्छी है, जगह अच्छी मिली है, चौड़ा भी है, सारे के सारे माउंट उभरा हुआ भी है। आपके पाम के अगर हम लोग फिंगर को छोड़ दे, सिर्फ देखे अगर पाम को, अगर आप फिंगर काट के हमें पाम भेजते तो मैं कहता कि बहुत बढ़िया पाम है, इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपके सारे के सारे माउंट एक कंडीशन में है, एक लेवल में, जो अपॉर्चुनिटी दिलाती है, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी दिलाती है ऐसे पाम, जहाँ पे सारे के सारे माउंट बैलेंस रहते हैं, कोई भी माउंट किसी से कम नहीं है, और बहुत ज़्यादा उभरा हुआ ना है, दबा हुआ हो, जिस तरह से भी हो, अगर सारे के सारे माउंट एक ही तरह बैलेंस दिखे आप लोगों को, एक ही तरीके का दिखे, तो ये लोग बहुत आसानी से, इन लोगों को मौका मिलती है, ये सक्सेस भी अचीव कर लेते हैं। लेकिन ये फिंगर के कारण क्या हो रही है, ऊपर माउंट को जगह अच्छी मिल रही है, अपर माउंट सारे डेवलप भी है, इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिली होगी। 38 इयर्स एज है ऑलरेडी, इनको दो तीन तो अपॉर्चुनिटी अच्छी ज़रूर मिल चुकी होगी, जो ये सक्सेस नहीं कर पाए। ऐसे पाम में ऐसे ही होती है, जिन लोगों की फिंगर इस तरह से आपको सिर्फ हड्डी ही दिखेगी और उसमें लगे होगा कि सिर्फ स्किन लगा हुआ है, बिल्कुल मांस नहीं है, और माउंट सारे अच्छे हैं, माउंट अच्छे रहते हैं, लाइन अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी आप लोग देखेंगे कि उसमें उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन आप अगर गहराई से जाएंगे तो देखेंगे कि उस पाम में उस इंसान को ज़िंदगी में दो तीन बड़े अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है, वो उसे अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ऐसे अगर फिंगर में गैप रह जाए, वो अपने सक्सेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, जो अपने बड़े काम लेते हैं, बड़े काम उनको मिलती है, और उसको क्या करते हैं, ये कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो मतलब एक बड़े बिजनेस
चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे जुगाड़ करके बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये फेल कर जाते हैं। बहुत बड़े जॉब की जॉब मिल जाती है इन लोगों को, इंटरव्यू वगैरह अच्छे देके जॉब भी मिल जाती है, लेकिन 2-3-4-5 महीने करने के बाद इनको जॉब छूट जाती है, वो कर नहीं पाते हैं। कभी भी बहुत बड़े पोजीशन में चले जाते हैं ये लोग अचानक से, तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, संभाल के रखना नहीं मतलब पाते हैं ये लोग। ये बहुत बड़ी कोई पोजीशन होल्ड कर नहीं पाते, यही प्रॉब्लम है इस तरीके का पाम में। तो बाकी सारे फिंगर की तो और एनालिसिस की और अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटी फिंगर भी काफ़ी लंबी है, लो सेट है, इसके कारण सन के थर्ड फैलेंस तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन लेंथ देखिए कितनी लंबी है, इसके कारण इनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो मैं जनरली एनालिसिस करता हूं कि सन के थर्ड फैलेंस तक ना पहुंचे तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये फिंगर बहुत ही ज़्यादा लो सेट है, इसके कारण क्या होगी, इनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम वाली बात एप्लीकेबल नहीं होगी। पाम की अगर ओवरऑल देखें और फिंगर को छोड़ दें तो ये पाम काफ़ी अच्छी है, मर्करी माउंट भी काफ़ी डेवलप है, और डेवलप होने के कारण इनमें एनालिसिस पावर भी अच्छी खासी है, एनालिसिस भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए एक मोल भी है, इसके कारण भी मार्केट माउंट थोड़ी वीक ज़रूर होगी, फिंगर में अगर मोल हो तो उस माउंट की पावर कम हो जाती है। तो यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि इनकी मार्केट माउंट वीक हो रही है फिंगर के कारण, टोटली फिंगर के कारण इनकी माउंट वगैरह जो है ख़राब हो रही है, और जो क्या होती है उसके सिचुएशन वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एनालिसिस पावर तो रहेगी आप में, आप अपने डेवलप माउंट के कारण अपने एज से यंग भी दिखेंगे, अकाउंट्स में भी आपकी अच्छी खासी नॉलेज रहेगी, हिसाब किताब भी अच्छी तरह से बेहतर तरीके से आप रख पाएंगे, पब्लिक स्पीकिंग में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप कम्युनिकेशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इसमें सब में आप माहिर रहेंगे। सन फिंगर सन की माउंट ठीक ठाक है, उभरा हुआ है, फ्लैट है, सारे के सारे माउंट फ्लैट है, फ्लैट माउंट हमेशा अच्छी रहती है, बेटर, सबसे बढ़िया फ्लैट माउंट, जगह अगर ज़्यादा मिल जाए तो फ्लैट माउंट सबसे बढ़िया रहती है, तो फ्लैट माउंट है, बेहतर है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, और सक्सेस सनलाइन तो नहीं है कुछ ऐसी पर्मिनेंट, कोई सनलाइन नहीं, ना ही कोई साइन है, लेकिन फिर भी सन माउंट ठीक ठाक होने के कारण आपको रिस्पेक्ट तो अच्छी खासी मिलती है, अचानक से कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, और ना ही ऐसी रहेगी कि आप अपने जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे मिलते हैं उन लोगों से आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं, नहीं, उल्टा आप कम पैसे कमाते हैं, जो भी आपकी फ्रेंड सर्कल होगी देखेंगे आप, जो लोग आपसे मतलब पढ़ाई में आप लोग आपसे कम था, मतलब आपसे अच्छा नहीं था, आपसे बुरा था पढ़ाई में बोलिए या फिर नॉलेज में बोलिए, वो भी आपसे ज़्यादा कमाते हैं पैसे, ये ज़रूर देखिएगा, आपको मिल जाएगी कि उन लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है, वो लोग आपसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ऑफिस में भी देखेंगे, जो आपसे नीचे थे वो ऊपर चले जा रहे हैं, और आप जहाँ थे वही है, वही छोड़ के कि आप थोड़ा नीचे भी डाउनग्रेड भी हो सकती है आपकी। तो सन ठीक ठाक है, लेकिन सन के जो फिंगर है उसी के कारण आपको ये प्रॉब्लम है। सैटर्न माउंट ठीक ठाक है, दबी होनी चाहिए दबी है, जुपिटर भी नॉर्मल सी ही दिख रही है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है माउंट में। मार्स माउंट काफ़ी डेवलप है आपकी, आपको फील्ड वर्क में सक्सेस मिलेगी, आप फील्ड वर्क कर सकते हैं, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी, ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई अगर कामकाज करते हैं वहाँ पे आपको मुनाफा मिलने के चांसेस है, दिख रही है। एग्रेसिव मार्स आपकी ठीक ठाक है। वीनस माउंट बहुत ही ज़्यादा वीक है, वीनस माउंट आपकी वीक दिख रही है, इसके कारण अभी तक आपकी शादी नहीं हो पाई। वैसे आपकी शादी की पहली लाइन की एज करीब करीब 32 के थी, और नेक्स्ट जो है वो अभी इसी एज में है 38 के करीब, तो इस एज में आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वीनस माउंट आपकी वीक है। वीनस माउंट वीक होने के कारण क्या हो सकती है, बेड कंफर्ट आप में ज़्यादा नहीं रहेगी, आप उसको ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हो सकती है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बच्चे के मामले में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ना कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर रहेगी, क्योंकि आपकी वीनस माउंट बहुत ही ज़्यादा वीक है। लग्जरी लाइन बिल्कुल नहीं है, लग्जरी लाइफ आपकी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आपको, उसकी इंडिकेशन हमें आपकी वीनस माउंट से दिख रही है। खड़ी लाइन है 2-4, जिस तरह से मेहनत करते हैं बहुत अच्छी तो मेहनत आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस तरह से भी आप मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट आपको मिलती है। मून माउंट आपकी काफ़ी पावरफुल है, इमेजिनेशन पावर आपकी काफ़ी अच्छी है, आप इमेजिनेशन बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं कुछ भी चीज़ का, क्योंकि माइंड लाइन भी आपकी मून के ऊपर ही झुक रही है, तो इसके कारण इमेजिनेशन पावर आप में ज़्यादा रहेगी, आप में लिखने की काबिलियत अच्छी रहेगी, आप
कुछ अगर पानी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर उस तरीके का कंपनी में अगर जॉब करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप ट्राई करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, मतलब जॉब मिल जाएगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी पाम जब तक ठीक ना होगी आप उस तरह से आप सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देंगे जॉब आपको ज़रूर मिल जाएगी। हाँ, अगर बड़ी पोस्ट ना हो तो आपको वहाँ पर टिक पाएंगे, लेकिन बड़ी पोस्ट में अगर आपको मिल जाए, मैंने आपके बारे में कुछ भी नहीं जाना, ना कितनी पढ़ाई की है, क्या किया है, तो पढ़ाई तो ठीक ठाक है, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड लाइन ठीक ठाक है, तो पढ़ाई अच्छी ज़रूर करी होगी आपने, लेकिन उस तरीके का आप उस लेवल पर आपको जॉब मिल भी जाएंगे तो आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ये आपकी पाम में हमें दिख रही है। और इसके कारण लेकिन अपनी लिखने की क्षमता है वो अच्छी है, अगर उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इमेजिनेशन पावर जो आपकी रहती है उसको अगर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपके पूरे के पूरे पाम में मून माउंट ऐसी है जिसके कोई फिंगर के साथ कनेक्शन नहीं रहती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और बाकी सारे माउंट से आपकी मून माउंट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो मून माउंट से अगर आप रिलेटेड काम करते हैं, आपने कहा है कि आप अगर यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं जहाँ पे आप कुछ एडवेंचरस चीज़ दिखाना चाहते हैं, उस तरीके का काम, अगर वहाँ पे आपको ट्रैवल की ज़रूरत हो जाए, आपकी इमेजिनेशन जो पावर है उसकी ज़रूरत हो जाए, आपकी जो लिखने की क्षमता है उसको अगर ज़रूरत हो जाए, तो उसमें आप ज़रूर सक्सेस करेंगे, वो आपकी मून माउंट से हमें पता चल रही है। अगर आपकी लाइन के ऊपर हम लोग फोकस करें तो हार्ट लाइन आपकी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिकेशन बढ़िया रहती है, जुपिटर की तरफ जाती हुई हार्ट लाइन ये दिखाती है कि ये फेथ लाइन जो जा रही है ना, ये फेथ लाइन भी मार्ज होके इसी तरह से चलती है, इसी को इस तरह से हम लोग पकड़ते हैं। इसके कारण आपकी मनचाही सक्सेस मिलने के चांसेस तो है, जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आपको आप कर ज़रूर पाएंगे, सक्सेस कितनी हाई लेवल तक मिलेगी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का काम आपको पसंद है अगर करने की कोशिश करेंगे तो आपकी सेल्फ की जो खुद की जो प्लेजर है वो आपको ज़रूर मिलेगी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको काम करने में ज़रूर होगी, उसकी इंडिकेशन यहाँ से हमें मिल रही है। यहाँ से एक ब्रांच जुपिटर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत कुछ इंडिकेशन नहीं कर रही है, ये कह रही है कि आप ना ही दूसरे के नुकसान करते हैं, ना ही दूसरों को आपका नुकसान करने देती है, आप प्रोटेक्टिव भी है और ऑनेस्ट भी है, इस तरह से आपकी हार्ट लाइन को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ फॉलन लाइन नहीं है, एक ही हल्की सी फॉलन लाइन यहाँ पे है, तो शायद ज़िंदगी में एक आध बार ऐसी होगी जहाँ पे आपको हार्ट ब्रेकिंग हुई होगी, प्यार में फेलियर हुआ होगा, और ज़्यादा कुछ आपकी उस तरह से डिस्टर्बेंस आपकी हार्ट लाइन में हमें दिख नहीं रही है। माइंड लाइन कैसी है, माइंड लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, मीडियम लेंथ की है, तो ये क्या करेगी, जॉब आपको अगर करेंगे तो जॉब में बहुत जल्दी नहीं, लेकिन 5-6 साल उस तरीके का अंदर गैप में तो आप चेंजेस आपकी पाम में है, जॉब बहुत दिनों तक आप एक ही जगह पे नहीं कर पाएंगे, जॉब के साथ साथ और साइड में कुछ बिजनेस करना, साइड में कोई काम करना, उसकी इंडिकेशन आपकी पाम में दिख रही है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो आप दो प्रोफेशन ज़रूर कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ आप यूट्यूब का काम भी कर सकते हैं, उसकी इंडिकेशन हमें आपकी माइंड लाइन से ज़रूर मिल रही है। देखिए, जो लोग इस तरह का काम के बारे में सोचते भी है, शुरू नहीं किया है, लेकिन देखिए शुरू करने जा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने पहले मुझसे ये एडवाइस लेने के लिए अपना पाम भेजा, मैं बेकार में इतनी ज़्यादा एनालिसिस कर रहा हूँ, उन्होंने इतनी ज़्यादा की पूछा भी नहीं मुझसे, लेकिन मेरी काम है कि मैं हर जगह पे सिर्फ पॉजिटिव बता के ही लोगों को इंस्पायर ना करूँ, उसकी नेगेटिव भी उनको बताऊँ, क्योंकि ये मेरी काम है, तो मैंने नेगेटिव भी साथ में बता रहा हूँ। लेकिन माइंड लाइन देखिए मीडियम क्वालिटी के है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरीके का माइंड लाइन वाले दो प्रोफेशन ज़रूर करते हैं, तो ये भी दो प्रोफेशन में ही जाने वाले हैं, यूट्यूब का चैनल खोलेंगे, उसके इन्वेस्ट भी करना है इनको, बहुत सारे कुछ करना है उसके, तो वो काम ही रहेगा, वो इनका बिजनेस साइड में बिजनेस ही रहेगा आगे चल के, तो उसमें भी ये इनको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस तरह का माइंड लाइन इसी तरह का देती है, दो प्रोफेशन, डबल प्रोफेशन, डबल फेथ लाइन से या डबल सन लाइन से कोई डबल प्रोफेशन नहीं होती है, इस तरीके का माइंड लाइन से होती है, जो मैं हमेशा दिखाता हूँ, यहाँ पे भी आप लोगों को मिल रही है। लाइफ लाइन कैसी है आपकी, लाइफ लाइन अगर देखें तो इस तरह से ये मून की तरफ दो ब्रांचेस निकल रही है नीचे से, ये दिखाती है ट्रैवल है, मून माउंट काफ़ी पावरफुल है, तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा,
तो अगर आप इस तरह का कोई एडवेंचरस प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे आप लोग यूट्यूब के प्रोग्राम में आपको बहुत दूर दूर तक घूमना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, उस तरीके का अगर टूर ट्रैवल इस तरीके का अगर आप अपने प्रोग्राम में रखते हैं तो उसमें आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये आपके पाम में दिखा रही है तो ये अच्छी इंडिकेशन है। एक असेंडिंग लाइन यहाँ से निकली, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये करीब करीब रहेगी। ये असेंडिंग लाइन सिर्फ नहीं है, एक मिनट मैं ऊपर वाला असेंडिंग लाइन एक बार फिर से देख लेता हूँ। ये आपकी ट्रायंगल भी फॉर्मेशन बना रही है, इस तरीके का ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाएगी तो आपके खुद के ज़मीन जायदाद ज़रूर होगी, प्रॉपर्टी ज़रूर रहेगी, चाहे वो खुद बनाए, क्योंकि आपके पाम से तो अभी नहीं लग रही है कि आपने खुद कुछ बनाया होगा एसेट, लेकिन आपकी फैमिली से इनहेरिटेंस से आपको ज़रूर मिलेगी, उसकी इंडिकेशन दिख रही है। और आगे चल के अगर आप बनाना भी चाहते हैं खुद का तो भी बना पाएंगे, और प्रॉपर्टी का इंडिकेशन तो यहाँ से हमें ये ट्रायंगल से मिल रही है। और आगे चल के आपकी पाम में लेटर एच के करीब 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 45 के करीब, 44-45 और उसके बाद 50 के करीब, ये दो जगह पे हम लोग बहुत बड़े बड़ा असेंडिंग लाइन दिख रही है। तो लेटर एज में जाके आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, उससे पहले नहीं। 45 में आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ लाइन से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक्टिव असेंडिंग लाइन निकल रही है। आपकी अगर फेथ लाइन को हम लोग देखें तो ये फेथ लाइन शुरू ही हो रही है करीब करीब 34-33 इस एज के पीरियड में, तो वो जो एज पीरियड थी तब जाके आपको कुछ ना कुछ सक्सेस मिला ज़रूर होगा, उससे पहले आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाए होंगे, मतलब काम तो ज़रूर किया होगा लेकिन काम में उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला होगा जो सक्सेस आपको मिला 33-34 की एज में। और ये फेथ लाइन बहुत ज़्यादा कुछ पावरफुल नहीं है, फिर भी जितनी है वो तो आपको उसी एज में दे रही है 33 के करीब, बहुत हल्की है ये फेथ लाइन, इतनी ज़्यादा क्लियर पाम में भी ये फेथ लाइन हल्की दिख रही है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प आपको नहीं करेगी, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये फेथ लाइन शुरू हो रही है आगे चल के करीब करीब 40 के करीब, ये फिर से चेंज हो रही है करियर में, चेंज फिर से इंडिकेशन दिखा रही है, सब कुछ है, सब कुछ होगी आपकी, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, मतलब वो फिनांस के मामले में उतनी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएगी। एक तो आपकी ये फिंगर, इसकी हालत बहुत ही ख़राब है, अपर फिंगर जो है। दूसरी आपकी फेथ लाइन, उसकी सिचुएशन भी बहुत ख़राब है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्की है। आपको जो करना है अभी, मैं आपकी रेमेडी के बारे में बताऊंगा, उसी में ज़्यादा टाइम लेना है क्योंकि आपके पाम के एनालिसिस में ऐसा कुछ नहीं है, मेरा शायद 10 मिनट भी नहीं लगा आपका पाम के एनालिसिस मुझसे हो गया। तो आपको जो करना है, हाई लेवल मेडिटेशन त्राटक से शुरू कीजिएगा, त्राटक एक मेडिटेशन है, यूट्यूब में ढूंढिएगा मिल जाएगी, त्राटक से शुरू कीजिएगा, क्रिया योग जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन है उसमें जाके आपको ख़त्म करना है। अगर ये सारे आप कर पाते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको शायद एक साल लग जाएगी, एक डेढ़ साल तक लग सकती है, अगर उसको आप कंप्लीट करते हैं उसी के बाद आपकी पाम की कंडीशन या फिंगर वगैरह की कंडीशन ठीक होगी। मेडिटेशन के अलावा कुछ भी स्टोन दे के आपको गले में भी KG स्टोन भी अगर पहना दे तो भी काम नहीं आएगी, आपको मेडिटेशन से ही एकमात्र आपको रिलीफ मिल सकती है, आप अपना किस्मत बदल सकते हैं, वरना इसी तरह से ज़िंदगी गुजर जाएगी आपकी, छोटी मोटी अचीवमेंट होती रहेगी, बड़ी सक्सेस मिलेगी उसको आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, इस तरह से गैप बनता रहता है तो लोग कभी भी अपने सक्सेस पैसे इस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाते हैं, आते रहते हैं जाने के लिए, मतलब नहीं आएगा तो जाएगा कैसे, इसलिए आते रहते हैं इन लोगों के पास, अच्छी काम आते रहते हैं, अच्छी जॉब मिल जाते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं, लेकिन बाद में चल के ये होल्ड नहीं कर पाते हैं, वो इस गैप से निकल जाती है, पैसे आते हैं, अच्छी जॉब मिलती है, अच्छे बिजनेस स्टार्ट होती है, सब कुछ अच्छी होती है लेकिन कुछ भी होल्ड नहीं कर पाते हैं, अच्छी गर्लफ्रेंड भी नहीं रहती है कुछ कुछ लोगों के, उनके वो भी चले जाते हैं। तो ज़रूर इसके बारे में ख्याल रखिएगा, त्राटक से शुरू कीजिएगा, क्रिया योग में ख़त्म कीजिएगा, इस तरीके का मेडिटेशन आपको करना है, एक डेढ़ साल तक आप लोगों को लग जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कठिन है आपके सामने ज़िंदगी, इसको अगर एक डेढ़ साल तक इसे आप कर पाते हैं, मैं नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि मैं मेडिटेशन का गुरु नहीं हूँ, जो लोग कराते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके आपको सीखना पड़ेगा, तो करने के बाद ही आपको, मेरी जो मानना है मेडिटेशन के ऊपर, मेरी जो नॉलेज है, आपको ये पाम से, इस प्रॉब्लम से वही एक चीज़ छुटकारा दिला सकती है, तो कीजिएगा आपको बेहतर रहेगा। आपके पाम फिंगर के बिना पाम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है,
फेथ लाइन तो ठीक हो ही जाएगी, कुछ मेडिटेशन करेंगे कुछ काम करेंगे तो फेथ लाइन काम ठीक ठाक करेंगे तो फेथ लाइन खुद ब खुद एक्टिव होती रहेगी, है तो एक्टिव होगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होगी और रिजल्ट भी अच्छी देगी, लेकिन उसके लिए काम करवाने के लिए फिंगर की जो फॉर्मेशन है ये ठीक करने की ज़रूरत होगी, और उसके लिए वो वाली मेडिटेशन की ही आपको हेल्प लेनी होगी। आपकी और एक गुण है, आपके अगर सारे के सारे फिंगर को मैं देख लूँ ना तो सारे के सारे फिंगर की फॉर्मेशन इस तरह से, आपके पाम सारे के सारे फिंगर बाहर की तरफ जा रही है, तो बाहर की तरफ जाने वाली फिंगर एक्स्ट्रोवर्ट बनाती है, एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं आप लोग, आप लोगों की नेचर एक्स्ट्रोवर्ट रहती है, आप लोग बाहर बाहर के लोगों से मिलना, बाहर घूमना फिरना, अचानक से बाहर चले जाना, मतलब उसमें आप लोग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, लोगों के साथ बाहर रहना, ये सारे आप लोगों को नॉलेज रहती है। आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम पास बाहर करते हैं, मतलब दोस्तों के साथ बोलिए, घर में कम रहते हैं बाहर में ज़्यादा रहते हैं, इसी की उल्टा हो जाए तो वो लोग घर में ही रहते हैं बाहर कम रहते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, आप लोग एक्स्ट्रोवर्ट है, इस तरीके का नेचर आपकी है। तो इसी के साथ इस पाम के एनालिसिस को रखते हैं, आगे एक नया पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया।